आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। चालकों में कोटरों के कारण कोई धारा नहीं बहती है, क्योंकि बच्चों यहाँ पर चालकों के बारे में बात हो रही है। उनका वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है वो अधिक होता है, इसलिए या फिर ब, संयोजी और चालन बैंड के अतिव्यापन के कारण ऊर्जा अंतराल नहीं होता है। स, वे पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉन गैस से भरे होते हैं। या फिर द, उनमें कोई संयोजी बैंड नहीं होता है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ पर चालकों के बारे में बात करूं, है ना, तो चालकों के लिए जो हमारे पास में संयोजी बैंड और चालन बैंड जो होता है ना, किस तरीके से होता है ध्यान से देखिएगा। चालकों के लिए जैसे कि मान लेते हैं हमारे पास में ये है संयोजी बैंड और एक है चालन बैंड। ये क्या करते हैं बच्चों, ये एक दूसरे पर कैसे हो जाते हैं बच्चों, ओवरलैप कर जाते हैं, है ना। ये संयोजी बैंड है ना और चालन बैंड, संयोजी बैंड और चालन बैंड, ठीक है। यहां पर ये इस तरीके से होते हैं, ठीक है। तो ये संयोजी बैंड और चालन बैंड दोनों एक दूसरे में क्या हो जाते हैं बच्चों, अतिव्यापित हो जाते हैं, है ना। यहां पर ये क्या है, ये अतिव्यापन है। क्या हो रहा है बेटा, अतिव्यापन होता है, ठीक है। और इसी अतिव्यापन के कारण इनके अंदर वर्जित ऊर्जा अंतराल नहीं होता है ना। वर्जित ऊर्जा अंतराल जो है यानी कि ईजी, वो कैसा होता है बच्चों, शून्य होता है। तो जो लगभग बराबर जो है ऐसे करके हम लोग शून्य बोल देते हैं। तो इसलिए बच्चों वहां पर कोटरों के कारण कोई भी धारा नहीं बहती है। तो जो सही जवाब आ जाएगा वो हो जाएगा बच्चों हमारा ब। कक्षा छठी से बारहवीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।